Hello everyone, I'm Momita and welcome back to my channel. So today I'm going to share with you another day in my life vlog. And I'm really sorry कि मैं आज ऐसा दिख रही हूँ क्योंकि I haven't slept properly yesterday. तो अभी बज रहे हैं 7:45 and I have taken a shower already. और मेरे husband आज जाएंगे 8:30 को और मैं अभी जल्दी से बनाऊँगी breakfast. तो मैं सोच रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में मैं आज दलिया की खिचड़ी बनाऊंगी जो हेल्दी भी होगा और फिलिंग भी होगा क्योंकि मेरे हस्बैंड तो लंच करेंगे 2:30 तक. सो मैं जल्दी से बनाती हूँ. और दलिया की खिचड़ी के लिए मैंने मूंग दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है. और दलिया की खिचड़ी मैं बहुत ही सिंपल एंड ईजी तरीके से बनाती हूँ बहुत ही कम मसाले में. तो मैं इसमें डालती हूँ एक सूखी लाल मिर्च एंड तेज पत्ता और जीरा. एंड मैं इसमें ऐड करूंगी सिर्फ नमक और हल्दी. एंड इसे थोड़ा सा भून के मैं इसमें ऐड करूंगी पानी और इसे 2 सीटी लगाऊंगी. और मुझे आज राजमा खाने का बहुत ही मन कर रहा है तो रात को तो मैंने राजमा नहीं भिगोई थी तो मैं अभी राजमा को सोक करने के लिए रखूँगी. एंड आई विल सोक इट फॉर 4 आवर्स. और यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ सत्तू के शरबत. एंड इसमें मैं सत्तू मिला के बस एक चुटकी नमक मिलाऊंगी. अगर आप इसको टेस्टी बनाना चाहते हो तो आप इसमें चीनी एंड थोड़ा सा लेमन जूस मिलाए तो ये बहुत ही टेस्टी होता है. और मैं चीनी ऐड नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं चीनी थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ. तो मेरी दलिया की खिचड़ी रेडी है. तो सर्व करने से पहले मैं इसमें ऐड करती हूँ 1 स्पून ऑफ घी. एंड घी से इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है. इसे गरम गरम सर्व करें ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में. तो ये है मेरी हस्बैंड की ब्रेकफास्ट एंड दिस इज माय ब्रेकफास्ट. हस्बैंड चले गए हैं और मुझसे अकेले खाना खाया नहीं जाता. तो और मैं आजकल एक काम करती हूँ कि मैं यूट्यूब ऑन करके यूट्यूब के वीडियोज़ देखती हूँ और साथ साथ मैं खाना खाती हूँ. एंड इससे मुझे अकेले खाना खाने में बहुत ही आसानी होती है. तो मैं यहाँ पे आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई कर रही हूँ एंड यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ. और मैं म्यूजिक ऑन करके घर का काम कर रही हूँ. मैं झाड़ू पोछा लगा रही हूँ. तो जैसा कि आपने देखा कि झाड़ू पोछा मेरा हो गया है. अभी 12 बज गए हैं तो मैं अभी जा रही हूँ लंच बनाने. और आज लंच में मैं बनाऊँगी राजमा. और राजमा को मैंने कल रात को भिगोना भूल गई थी सो मैंने आज सुबह ही उसे भिगोया. तो मैंने 8 बजे उसे भिगोया था तो अभी बज रहे 12 तो 4 घंटे ऑलरेडी सोक्ड हो गया है वो. तो चलिए बनाते हैं राजमा. एक तरफ राजमा बॉईल हो रहा है और दूसरी तरफ चावल के लिए मैंने पानी चढ़ाया है.
आज मैं पम्पकिन की एक सब्जी भी बना रही हूँ और इसे बंगाली में कहते हैं कुमड़ोर छेचकी। तो मैंने इसके लिए पम्पकिन को बहुत ही छोटे छोटे क्यूब शेप में काटा है एंड ये बहुत ही सिंपल एंड ईजी टू कुक है। बस तेल में आप कलौंजी डालिए और फिर पम्पकिन को डालिए, फिर नमक, थोड़ा सा चीनी और हल्दी एंड थोड़ी सी हरी मिर्ची, और इसे तब तक बनाइए जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। बस ये बन जाएगा। और यहाँ पे मैं राजमा के लिए मसाले को भून रही हूँ। तो राजमा की रेसिपी मैंने पहले भी एक वीडियो में प्रॉपरली शूट किया था, तो अभी मैं इसमें शूट नहीं किया है प्रॉपरली। तो अभी है लंच टाइम, तो मैं जाती हूँ लंच करने। सो हियर इज़ माय लंच, चावल, कुमड़ोर छेचकी एंड राजमा। और लंच में मेरे हस्बैंड आज नहीं आने वाले हैं, तो मुझे अकेले ही खाना पड़ेगा एंड फिर से मैं वही करने वाली हूँ। यूट्यूब चला के मैं खाना खा रही हूँ। सो लंच करने के बाद मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ एंड मैं थोड़ी बहुत एडिट कर रही हूँ। और मैं आज सोच रही हूँ कि एक छोटा सा नैप ले लूँ। ऑल दो मैं दोपहर को नैप नहीं लेती हूँ, बट आज मुझे लग रहा है कि मैं एक छोटा सा नैप ले लूँ जस्ट फॉर 1 आवर, क्योंकि कल की नींद प्रॉपर नहीं हुई थी मेरी, क्योंकि कल मैं लेट सोई थी और सुबह भी 7:30 में उठना पड़ा था। और खाना खाने के बाद आपको कभी भी सोना नहीं चाहिए, कभी भी सोना नहीं चाहिए। आप 30 मिनट्स और 1 आवर के गैप ले लीजिए बैठ के, फिर आप सोइए। तो मैं अभी थोड़ा सा एडिटिंग का काम कर लूँ और एंड फिर मैं एक नैप लूँगी। मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। सो नैप लेके मैं बहुत देर पहले ही उठ चुकी हूँ और मुझे अभी थोड़ा सा बाहर जाना है, क्योंकि थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी शॉपिंग अभी तक बची है वो, और मुझे पेटीकोट्स लेना है साड़ी के मैचिंग, सो वो भी लेने जाना है। तो मैं आपसे रेडी होके मिलती हूँ। सो नाउ आई एम रेडी एंड मैंने फिर से एक ग्रे टी शर्ट पहनी है मॉर्निंग की तरह ही, और आई एम वेटिंग फॉर माय हस्बैंड। वो अभी भी ऑफिस से नहीं आए हैं, तो वो आएंगे एंड देन वी विल गो फॉर शॉपिंग। और जैसा कि आपने देखा है कि मैं कुछ और ही खरीदने गई थी और कुछ और खरीद के चली आई। तो मुझे हस्बैंड के लिए कुछ कपड़े लेने थे पर कुछ भी पसंद नहीं आया तो हमने नहीं लिए। और मुझे 2 पेटीकोट्स लेने थे, वो भी नहीं हो पाया। मिक्सर ग्राइंडर दिखाया तो आज हमने एक मिक्सर ग्राइंडर खरीद के ले आए। हमने अचानक से एक मिक्सर ग्राइंडर खरीद के ले आए क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सो रिसेंटली हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, जस्ट 4 महीने ही हुए हैं और अभी अभी हम थोड़े थोड़े करके चीज़ें ले रहे हैं घर के लिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम लोग घर से बाहर आए हैं, तो हमें एक नई शुरुआत करनी पड़ रही है, सब कुछ नए खरीदने पड़ रहे हैं। मतलब बस 4 ही महीने हुए हैं तो सब कुछ हमारे पास नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके हम चीज़ें ले रहे हैं। तो आज हमने लिया है मिक्सर ग्राइंडर, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमें। मैं अभी जा रही हूँ चेंज करने एंड साथ में मैं डिनर बनाती हूँ। और डिनर में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, सिर्फ और सिर्फ रोटी बनाऊँगी क्योंकि सब कुछ है। दोपहर को मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, तो मैं आपसे मिलती हूँ डिनर करने के बाद। हमने डिनर कर लिया है एंड मैं अभी आप लोगों को बोलती हूँ बाय। सो ऐसा ही रहा आज का मेरा दिन। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। ये फेस्टिवल सीजन आपका बहुत 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 ही अच्छा जाए। सो इसी के साथ मैं खत्म करती हूँ ये वीडियो को। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें एंड मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।